गूगल की खोज करने वाला वो तीसरा इंसान जिसे फाउंडर्स की सूची में नहीं मिला नाम। वेब सर्विसेज प्रदान करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल, गूगल का आज जन्मदिन है। आज गूगल 21 साल का हो गया है। इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए गूगल ने खुद अपना डूडल भी बनाया है। ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि गूगल को 2 लोगों ने मिलकर शुरू किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। गूगल की खोज करने में 3 लोगों का योगदान है, लेकिन उस तीसरे शख्स को फाउंडर्स की सूची में नाम नहीं मिला। कौन है वो तीसरा शख्स? फाउंडर्स में क्यों नहीं है उसका नाम? आगे पढ़ें इन सवालों के जवाब। आज से करीब 23 साल पहले जनवरी 1996 में गूगल एक रिसर्च प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुआ था। लैरी पेज और सर्गे ब्रिन, लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। दुनिया इन्हें आज गूगल के फाउंडर के रूप में जानती है, लेकिन इनके साथ उस प्रोजेक्ट में तीसरा शख्स भी था। ये तीनों PhD स्टूडेंट थे। उस तीसरे शख्स का नाम है स्कॉट हसन। स्कॉट इस रिसर्च प्रोजेक्ट के ओरिजिनल लीड प्रोग्रामर थे। गूगल सर्च इंजन, गूगल सर्च इंजन जो आज दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, इसके लिए ज्यादातर कोड स्कॉट ने ही लिखे हैं। फिर क्यों नहीं मिला नाम? दरअसल एक कंपनी के तौर पर गूगल की शुरुआत 1998 में की गई। रिसर्च प्रोजेक्ट पूरा होते ही और एक कंपनी के तौर पर गूगल के शुरू होने से पहले स्कॉट ने इसे छोड़ दिया था। वह आगे रोबोटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते थे। बाद में 2006 में स्कॉट ने विलो गैराज नाम की एक कंपनी शुरू की। गूगल का डोमेन नेम 15 सितंबर 1997 को रजिस्टर किया गया था और कंपनी 1998 में बनी। शुरुआत में लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने कैलिफोर्निया में एक दोस्त के गैरेज में गूगल का काम शुरू किया। इन्होंने स्टैनफोर्ड में पढ़ने वाले एक साथी PhD स्टूडेंट क्रेग सिल्वरस्टन को अपना पहला कर्मचारी नियुक्त किया था।